गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ यार मैं आज आपके सामने AWS डेटाबेसिस का लेक्चर नंबर 3 लेके, जिसमें आज हमें पढ़ना है कि नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्या होते हैं या NoSQL डेटाबेस क्या होते हैं। दोनों एक ही बात है, आप नॉन रिलेशनल कहें या NoSQL कहें, एक ही बात है। अभी आपको इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में, या आप ये ना कहें कि क्या इनमें भी कोई डिफरेंस है या कुछ है, अभी आप दोनों को सेम मान के चले और 99% तक दोनों सेम भी है, इनमें कोई फर्क नहीं है। नॉन रिलेशनल NoSQL के सारे डेटाबेसेस नॉन रिलेशनल ही होते हैं, तो कोई ऐसी बुनियादी फर्क नहीं है। तो आज हमें इसे पढ़ना है। रिलेशनल मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, नॉन रिलेशनल को आज हम समझेंगे और इसे बड़े डिफरेंट वे में, क्योंकि बहुत सारे थ्योरी लेक्चर शायद आपको मिल जाए कहीं ना कहीं जहां नॉन रिलेशनल को उन्होंने डिस्क्राइब किया होगा, लेकिन उन्होंने विद एग्जाम्पल आपको इतने आसान वे में नहीं बताया होगा कि आप समझ पाए कि नॉन रिलेशनल क्या होता है। तो मेरी कोशिश होगी कि आज आपको समझा सकूं नॉन रिलेशनल क्या होता है, कितने टाइप का होता है। NoSQL बेसिकली, अब हम जब भी बात करेंगे तो नॉन रिलेशनल की जगह NoSQL टर्म का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज ये ज्यादा सुटेबल है आज के सिनेरियो में। आप NoSQL कहें, हालांकि मतलब एक ही है, बट हम इसे NoSQL डेटाबेस कहेंगे। तो NoSQL कितने टाइप का होता है, क्या इसके फीचर्स होते हैं, ये आज हमें देखना है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, जैसे कि नॉन रिलेशनल से आपको समझ आ रहा है कि पहले वाले रिलेशनल टेबल में क्या था, हमारी एक टेबल दूसरे के साथ रिलेटेड थी किसी ना किसी तरीके से, उसकी एक प्राइमरी आईडी होती थी और उसके थ्रू वो कनेक्टेड होती थी और वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती थी, कहीं ना कहीं कोई रिलेशनल होता, कोई रिलेशन होता था। लेकिन नॉन रिलेशनल के केस में ये ज़रूरी नहीं है कि दो टेबल के दरमियान उनका कोई रिलेशन हो, ये इंडिपेंडेंट हो सकती है, ये स्कीमा फ्री होती है, कोई डिफाइंड टेबल नहीं होती कि ये टेबल होगी और आपको उसमें एंट्री करनी है। आप जैसे चाहें वैसे एंट्री करें, आप जैसे चाहें वैसे टेबल क्रिएट करें। ये नॉन सीक्वल जितने भी हमारे टाइप के एप्लीकेशंस हैं, जितने टाइप के डेटाबेसिस हैं, चाहे MongoDB हो, चाहे कैसेंड्रा हो या AWS पे DynamoDB हो, इन सबको पता है कि उस डेटाबेस को कैसे क्रिएट करना है, उस डेटा को कैसे मैनेज करना है। तो मैं इसको एक बड़े सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने एक टेबल बनानी शुरू करी और उस टेबल में आपने तीन एंट्री करी, जिसमें आपने लिखा नेम और नेम में आपने लिखा विकास, उसके बाद आपने एज लिखी और एज में लिखा 36, उसके बाद आपने लोकेशन लिखी और लोकेशन में आपने लिखा लॉस एंजलिस, और उसके बाद आपने उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा जो आपने लिखा +1 8 8 6 3 whatever। इस तरीके से आपने एक एंट्री अपने टेबल में कर दी, ठीक है। यहाँ पे एक प्राइमरी आईडी आपको लेनी पड़ेगी, यहाँ पर भी एक प्राइमरी आईडी होगी जिसे हम की कहते हैं, प्राइमरी आईडी भी कहते हैं, तो वो आपने लेनी पड़ेगी। वो आप यहाँ पे ले लें उस बंदे का DL नंबर या उस बंदे का कोई भी एक प्राइमरी आईडी। तो मैंने यहाँ प्राइमरी आईडी उसकी 1 कर दी है, ठीक है। ये प्राइमरी आईडी हो सकती है उसका एम्प्लॉयमेंट आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी जो है वो उसकी प्राइमरी आईडी है, वो यहाँ पर भी होगी। अब मैं एक और एंट्री करता हूँ बंदे की, और यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ एम्प्लॉय आईडी 02 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोकेशन इंडिया और यहां पे मैं लिखता हूं क्वालिफिकेशन बीटेक, यहां पे मैं लिखता हूं एक्सपीरियंस 6 years और टेबल बना दी मैंने। अब एक और टेबल मैं बनाता हूं, यहां पर भी मैं एम्प्लॉय आईडी लेता हूं, एम्प्लॉय आई डी 03 मैंने ले लिया। अब मैं लिखता हूं नेम, नेम आ गया मेरा अमन। अब मैं लेता हूं एज, एज आ गई मेरी 29 और अब मैं लेता हूं मैरिटल स्टेटस, ये हो जाएगा अनमैरिड। और अब मैं लेता हूं फॉर एग्जांपल कुछ भी आप ले लें, आप ले लें हॉबी, और हॉबी में लिख दें आप क्रिकेट। अब आप देखें, मैंने तीन टेबल बनाई है, मैंने तीन एंट्री करी है, दीज आर नॉट टेबल्स, मैंने एंट्री करी है, मैं एंट्री कर रहा हूं अपने डेटाबेस में। तो मैंने जब ये वाली एंट्री करी तो एम्प्लॉय आईडी 1 के साथ, तो मैंने नेम लिखा, एज लिखा, लोकेशन लिखा, कॉन्टेक्ट लिखा। अब जब मैं दूसरे एम्प्लॉय की एंट्री कर रहा हूं तो यहां पे नेम है ही नहीं, यहां पे एज का ऑप्शन ही मैंने नहीं लिखा, मैंने उसकी तीन अलग चीजें लिखी। हाँ, लोकेशन कॉमन है, बट मैंने क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नया जोड़ दिया जो इसमें नहीं था। तो
अब मैं एक और तीसरी एंट्री करता हूं एम्प्लॉय आईडी 3 की, वहां पे नेम लिखा, एज लिखा, लेकिन अब की बार मैंने मैरिटल स्टेटस लिखा जो दोनों में नहीं था उससे पहले वाली एंट्री में, मैंने हॉबी लिखा क्रिकेट वो दोनों में नहीं थी पहले वाली एंट्री में, तो यानी इनका आपस में कोई एज सच कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई फिक्स एंट्रीज नहीं है, कोई फिक्स आपका आप कहें कि फील्ड नहीं है कि मेरे को ये क्या एंट्री करनी है, मेरे को नेम जैसे रिलेशनल में क्या होता था, नेम फिक्स है, एज फिक्स है, कॉन्टेक्ट नंबर फिक्स है, आपकी लोकेशन फिक्स है, अब आपने जितने भी, और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी फिक्स है, अब आपके जितने भी बंदे आ रहे हैं उनकी आपको ये सारी एंट्री करनी पड़ेगी। मैं रिलेशनल की बात कर रहा हूँ, ये रिलेशनल है राइट, तो अभी मैं रिलेशनल का भी आपको कंपेयर करके दिखाना चाह रहा हूँ। तो रिलेशनल में आपने सारी चीजें भरनी पड़ेंगी, आईडी 1 लिखी, 2 लिखी, 3 लिखी, नेम लिखा आपने, आईडी 1 में विकास है और आईडी 2 में आपने नाम ही नहीं दिया, तो यहाँ पे अभी आप खाली नहीं छोड़ सकते। अगर रिलेशनल डेटाबेस है तो आपको नाम देना पड़ेगा, अगर आप कुछ नहीं देना चाहते तो आप निल लिखेंगे, बट कुछ ना कुछ एंट्री करनी पड़ेगी। ये रिलेशनल की एक मजबूरी है कि अगर जो चीज आप नहीं भरना चाहते वो भी आपको भरनी पड़ेगी, क्योंकि उसका एक फिक्स्ड स्कीमा है, उसका एक फिक्स्ड डिजाइन है जो आपको फिल करना है, पूरी एंट्रीज फिल करनी है। जबकि नो सीक्वल में ये कोई बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं है, आप एम्प्लॉय आईडी 2 का नाम नहीं बताना चाहते ना बताएं, आप जो जो चीजें बताना चाहते हैं आप सिंपल वो एंट्री कर दें। अब यहां पे लोकेशन हो गया, अब एम्प्लॉय आईडी 2 की मैं बात करूं तो नेम खाली है उसका, तो रिलेशनल में मुझे नेम भरना पड़ेगा या निल लिखना पड़ेगा, एज भी नहीं है तो मुझे निल लिखना पड़ेगा, खाली छोड़ना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट भी नहीं है, निल लिखना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें निल आएंगी। तो रिलेशनल में होगा क्या कि ये जो फील्ड है ये अननेसेसरी यहाँ पे आपकी बिट कंज्यूम कर रही है, आपका स्पेस खपा रही है, आपका स्पेस जो है वो कंज्यूम कर रही है, दैट इज नॉट गुड राइट। तो इसीलिए रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है कि आपका जो ये स्पेस लेता है, आपकी जो मेमोरी ये खपाता है वो ज्यादा लेता है, और नो सीक्वल में आपको जो एंट्री देनी है वो आप दें, बाकी की उसको कोई परवाह नहीं है, और उसके लिए वो स्पेस भी अपना खराब नहीं करेगा, वो सिर्फ वही एंट्रीज करेगा जहां जहां जो जो आपने की है। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने क्वालिफिकेशन लिखा, इनके केस में नहीं है, तो यहां पे क्वालिफिकेशन की फील्ड ऐड हो जाएगी और वो मैंने एम्प्लॉय आईडी 2 के लिए लिखी है, तो एम्प्लॉय आईडी 2 की यहां क्वालिफिकेशन बीटेक आ जाएगी, बाकी का खाली रहेगा NoSQL के केस में। बट अगर आप SQL डेटाबेस की बात करें, रिलेशनल डेटाबेस की बात करें, तो सारी फील्ड फिल होनी चाहिए, उसका एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है, जबकि NoSQL का कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता। इसकी लैब कराऊंगा DynamoDB की, आपको समझ आ जाएगा वहां टेबल किस तरह से क्रिएट होती है, बहुत इजी होता है, NoSQL बेहद आसान होता है, ये भी इसकी एक खासियत है। इसके लिए एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर की जरूरत नहीं है, इसका हार्डवेयर भी सस्ता आता है, और उससे भी बड़ी बात है यहां पे स्केलिंग पॉसिबल है, यानी आपके पास अगर कल को आपका सर्वर छोटा पड़ रहा है डेटाबेस सर्वर, तो आप एक और सर्वर ऐड कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उस डेटा को दोनों सर्वर के दरमियान, तो ऑटो स्केलिंग पॉसिबल है, ये एक बड़ा अच्छा बेनिफिट है। तो बहुत सारी बातें हैं, अब पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद मैं बताऊंगा कि नो सीक्वल या नो एसक्यूएल डेटाबेसेस कितने टाइप के होते हैं। तो कुछ बुनियादी बातें कर लेते हैं। नॉन रिलेशनल डेटाबेसिस स्टोर डेटा विदाउट अ स्ट्रक्चर मैकेनिज्म, तो यही मैंने बताया, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। यहाँ पे एज लोकेशन नेम मैंने लिखा है, लेकिन अगली एंट्री में मैंने नेम गायब कर दिया, मैंने एज गायब कर दी, तो कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं। तो नो सीक्वल में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, तो लिंक डेटा फ्रॉम डिफरेंट टेबल टू वन अनदर, आप एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं निकाल सकते। हाँ, यहाँ पर भी एक प्राइमरी आईडी या प्राइमरी की जो है वो कॉमन होती है, वो आपको देनी पड़ती है, वो आपको पहले बतानी पड़ेगी वो क्या है। अगर किसी कंपनी का अपना सिस्टम है तो वहां पे वो उसकी एम्प्लॉय आईडी हो सकती है, कोई कॉलेज है तो रोल नंबर हो सकता है, और कोई अस्पताल है तो पेशेंट नंबर हो सकता है, तो वो सारी चीजें आपकी हो सकती हैं। दूसरी बात है कि इसके लिए लो कॉस्ट हार्डवेयर आपको जरूरी है, तो नो एसक्यूएल इसीलिए भी आजकल मार्केट में फेमस है, क्योंकि इसका जो हार्डवेयर आता है वो सस्ता आता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, इसलिए वो हार्डवेयर सस्ता पड़ता है। इसी वजह से फास्टर परफॉर्मेंस भी है। रीजन क्या है इसके फास्टर परफॉर्मेंस का, कि इसके ओवरहेड्स बहुत कम है, जो फील्ड आपके काम की नहीं है उनको ये मेंशन ही नहीं करता। यहां पर क्या है, आपकी मजबूरी है, आपको यहां निल तो लिखना ही पड़ेगा, और फिर वो अननेसेसरी वहां पे क्या करेगा, वो निल जो है, निल लिखने के लिए भी तो कुछ बिट्स का इस्तेमाल होगा ना, तो कहीं ना कहीं वहां पे बिना बात के आपका जो स्टोरेज है वो यूटिलाइज हो रहा है इन निल को लिखने में, या उस स्पेस को उनके लिए एलोकेट करने में, क्योंकि यहां जो हर फील्ड होती है, जो
बक्से बने हुए हैं इनके लिए कुछ बिट्स एलोकेट होती है, बट नो एसक्यूएल में वो एलोकेट करेगा ही नहीं क्योंकि उसको पता है ये फील्ड है ही नहीं इस बंदे की। तो जब तक आप वो फील्ड मेंशन नहीं करोगे वो उसके लिए बिट एलोकेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्योंकि इसकी स्टोरेज ज्यादा, स्टोरेज इसको चाहिए, ज्यादा जगह इसको चाहिए, ये ज्यादा जगह घेरता है इसीलिए ये स्लो भी होता है। और नो एसक्यूएल फास्ट होता है क्योंकि वो वही फील्ड रखता है जो उसके काम की है, बाकी जो फील्ड जिसकी नहीं है वो उसके लिए उसको स्पेस भी एलोकेट नहीं करता। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है, इसीलिए ये फास्टर होता है इन कंपैरिजन टू रिलेशनल। कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है विच वन इज बेटर, तो देखिए डिपेंड करेगा आपकी एप्लीकेशन क्या है, ये भी आप याद रखें। लेकिन यस, नो सीक्वल फास्टर होता है ये इन कंपैरिजन टू एसक्यूएल डेटाबेसेस, और ये इसका हार्डवेयर भी सस्ता होता है। और एक और बुनियादी बात, इसमें ऑटो स्केलिंग पॉसिबल है जो कि रिलेशनल डेटाबेसेस में या एसक्यूएल डेटाबेसेस में पॉसिबल नहीं है। ये आप कहीं लिख लेना कॉपी में अगर आप अभी नोट डाउन कर रहे हैं, मेरी बातों से भी आप पॉइंट नोट डाउन कर लिया करें जब मैं पढ़ा रहा होता हूं वीडियो को पॉज करके, क्योंकि कई सारी ऐसी बातें हैं जो मैं यहां नहीं लिखता और वहां बताता हूं। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं, कई बार मैं आपको समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे मैंने अभी देखा मेरे पिछले किसी वीडियो पे डेटाबेस के एक ने मुझे बताया, शायद वो मुझे भी सुन भी रहे हो, कि डेटा में और इंफॉर्मेशन में फर्क होता है। बिल्कुल फर्क होता है, और मैंने शायद अपने लेक्चर में बोला भी है कि मैं इस बीच में नहीं जा रहा कि इंफॉर्मेशन क्या होती है, डेटा क्या होता है। मेरा मकसद यह है कि आपको बात समझ आए। तो आप मेरी उतनी भी बातों को ना पकड़े, मैं भी जानता हूं डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है और क्या नहीं है, बट आप बुनियादी बात समझे। हो सकता है बोलते बोलते कई बार मेरे एग्जाम्पल में टेक्निकली कुछ खामी हो, तो आप उसको इग्नोर करें, और बड़ी अच्छी बात है आपको मालूम है। और जिनको नहीं मालूम है उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुनियादी बात आपको समझ आ रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कई बार बातें पकड़ के ना बैठा करें, क्योंकि किसी शायर ने एक शेर कहा है कि छोटी छोटी बातें करके बड़े कहाँ हो जाओगे, छोटी छोटी बातें करके बड़े कहाँ हो जाओगे, तंग गली से निकलोगे तो खुली सड़क पे आओगे। तो इसीलिए हमें अपने दायरे को बड़ा करना चाहिए, क्योंकि वहां हमें बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो चलिए, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इज पॉसिबल। अब सवाल आपसे है, और आप जरा सोचिए वीडियो को पॉज करके, कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मैंने क्या समझाया था और क्या होता है। आई होप आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा, आपको पता होगा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब है एडिंग न्यू सर्वर्स टू द एग्जिस्टिंग सर्वर। ओके, तो आपने नए सर्वर ऐड करने हैं अपने एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ सर्वर्स में, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। क्योंकि हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, वर्टिकल ऐसे होता है, मैंने आपको बताया था। जब आप कैपेसिटी या उसको उसकी जो कैपेसिटी है वो इंप्रूव कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग सर्वर की आप रैम बढ़ा रहे हैं, तो उसे वर्टिकल स्केलिंग बोलेंगे। और आप अपने एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ सर्वर्स में नए सर्वर जोड़ रहे हैं उसे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बोलेंगे। तो यहां पर कौन सी स्केलिंग पॉसिबल है? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पॉसिबल है। इसके साथ साथ वर्टिकल भी पॉसिबल है, बट वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को हम प्रेफर करते हैं। Never provide table with flat fixed column record. Flat fixed column record क्या होता है? ऐसा होता है जहां पे आपको पता है कि ये एंट्री ही मुझे भरनी है, तो इसका ऐसा कोई फिक्स्ड कॉलम नहीं होता, कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता। आप चाहे यहाँ पे नेम एज मेंशन करें, अगले बंदे की नेम एज आप लिखे ही ना, उसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आप लिख रहे हैं, इस तरह का डेटाबेस है। कोई रिलेशन नहीं है, कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है। इट मीन्स स्कीमा फ्री, स्कीमा फ्री आपको पता है डिजाइन ऑफ अ टेबल। बेस्ट सुटेड फॉर ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। जी हाँ, अब इसकी बात कहां पे आती है मैं आपको बताता हूं, कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था लास्ट में जाते जाते एक सवाल, कि डेटाबेस और डेटा वेयर हाउस में क्या फर्क है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, आपके कमेंट बिल्कुल सही भी हैं आपने जहां से भी बताया। और उसमें आपने देखा होगा डेटा वेयर हाउस में ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग होती है, डेटा वेयर हाउस ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग करता है, जबकि जो आपका डेटाबेस होता है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग करता है। वो क्या होता है मैं आपको बताऊंगा बाद में, डोंट वरी। तो ये कहां पे बेस्ट सुटेड है? ये डेटा वेयर हाउस के लिए बेस्ट सुटेड है, और डेटा वेयर हाउस ही आज की डेट में बहुत बड़ी बड़ी आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी डेटा वेयर हाउसेज में ही आती है। तो जहां पे पूरा डेटा प्रोसेस हो रहा है, बहुत सारे जगह से डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, उसको प्रोसेस किया जा रहा है, एनालिसिस किया जा रहा है, तो उसे डेटा वेयर हाउस आप कहते हैं। तो उसके लिए ये बेस्ट सुटेड है नो सीक्वल डेटाबेस। अब एग्जाम्पल क्या है, कुछ फेमस एग्जाम्पल भी आपको मालूम होने चाहिए इंटरव्यू के लिहाज से, जिसमें सबसे फेमस है MongoDB। MongoDB बहुत फेमस है, Cassandra बहुत फेमस है, फेसबुक ने भी अब इसको कैप्चर कर लिया है, मेरे ख्याल से ओवरटेक कर लिया है और अपना बना लिया है इसको, Cassandra को। अपाचे के पास था शायद, या अब भी अपाचे Cassandra आता है। DynamoDB अमेजन का है, इस पर हम लैब करेंगे।
पोस्टेग्रे आता है, पोस्टेग्रोनो एसक्यूएल के नाम से, रेवन के नाम से आता है, रेडिस के नाम से आता है, बहुत सारे नो एसक्यूएल डेटाबेसेस आपको मिल जाएंगे। नो एसक्यूएल कहें या नो सीक्वल कहें, बोलते जनरली से लोग नो सीक्वल हैं, तो वो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि कितने टाइप के नो एसक्यूएल डेटाबेसेस होते हैं और उनमें क्या फर्क होता है। तो चार टाइप के हमारे बुनियादी तौर पे नो सीक्वल डेटाबेसेस होते हैं, जिसमें कि पहला होता है कॉलमनर डेटाबेस। कॉलम डेटाबेस के अलावा जो दूसरा होता है वो होता है डॉक्यूमेंट डेटाबेस, तीसरा होता है हमारे पास की वैल्यू डेटाबेस, और चौथा होता है हमारे पास ग्राफ बेस्ड डेटाबेस। तो मैं हट जाता हूं साइड में, एक बार आप देख लें इसे ध्यान से, नोट डाउन कर लें। और अब इन चारों पे हमें वन बाय वन डिस्कस करना है, फिर भी मैं एक बेसिक आपको ओवरव्यू दे दूं कि चारों में क्या फर्क है। कॉलम डेटाबेस के अंदर, अगर मैं कॉलम डेटाबेस की बात करूं, तो कॉलम डेटाबेस के अंदर आपका जो इंपॉर्टेंट डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, वो रो में सेव ना होकर कॉलम में सेव होती है, कॉलम की फॉर्म में। और कॉलम किसे कहते हैं आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप एक टेबल बना रहे हैं तो इस टेबल में इसको बोलते हैं रो, और इस तरीके से अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसको बोलते हैं कॉलम। तो कॉलम की फॉर्म में डेटा आपका सेव होता है। इसके क्या बेनिफिट है वो मैं इसको जब डिस्कस करूंगा तब बताऊंगा। इंपॉर्टेंट बातें जो है वो ये है कि इसके जो फेमस डेटाबेसिस हैं जो कॉलम डेटाबेस पे काम करते हैं, नो सीक्वल के अंदर भी चार चीजें हैं। तो कैसेंड्रा जो है वो कॉलम डेटाबेस का एग्जांपल है, एच बेस जो कि एक पॉपुलर डेटाबेस है ये भी कॉलम डेटाबेस का एग्जांपल है, ये आपको मालूम होना चाहिए। डॉक्यूमेंट डेटाबेस की बात करें तो यहाँ पे आप जेसॉन में अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं, और यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, यहाँ पे जो आपकी इंफॉर्मेशन होगी वो एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में सेव की जाएगी। जो आप कोड लिखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, वो एक डॉक्यूमेंट जैसा होगा, आपकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो डॉक्यूमेंट जैसी नजर आएगी। उसका फायदा क्या है, कई जगह ऐसी होती है जहां आपको अपनी इंफॉर्मेशन बड़ी डिस्क्राइबिंग फॉर्म में देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई ब्लॉग बना रहे हैं, तो जो ब्लॉग होते हैं बैक एंड पे उनकी जो उनके लिए जो डेटाबेस क्रिएट किया जाता है वो डॉक्यूमेंट डेटाबेस क्रिएट किया जाता है, या आप कोई वीडियो या मूवी क्रिएट कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, वो आपने अपने डेटाबेस में या फेसबुक पे पोस्ट की है, तो बैक एंड पे जो उसकी स्क्रिप्ट बनेगी वो डॉक्यूमेंट डेटाबेस बनेगी, तभी वो प्रॉपरली हो पाएगी। आपने फेसबुक पे आपकी फोटो लगाते हैं, उस फोटो के साथ आप एक शेर व शायरी भी लिख देते हैं और फिर आप टैग करते हैं कुछ लोगों को, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट डेटाबेस की जरूरत होगी जो प्रॉपर उसको एक स्टोरी के फॉर्म में या डॉक्यूमेंट की फॉर्म में क्रिएट कर सके। तो उस तरह के डेटाबेसिस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डॉक्यूमेंट डेटाबेस। यहाँ पे जो पॉपुलर है वो मोंगो डीबी है, काउच डीबी बड़ा पॉपुलर है, और रेवन डीबी भी काफी पॉपुलर है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटाबेसिस है डॉक्यूमेंट डेटाबेसिस, इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन, आपको परेशान नहीं होना। की वैल्यू डेटाबेस, अभी मैं इसी की बात कर रहा था जब मैं आपको डायनामो डीबी की बात बता रहा था, वहां मैं प्राइमरी की बोल रहा था बार बार, तो बेसिकली उसे की वैल्यू बोलते हैं, उसे नो सीक्वल के अंदर की वैल्यू बोलते हैं। वहां वो है प्राइमरी की तरह ही, वो रिलेटेड होती है एक किसी एक इंफॉर्मेशन या एंटिटी के साथ, डोंट वरी कोई बात नहीं, उसको हम डिस्कस करेंगे। की वैल्यू डेटाबेस के जो मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है वो है रेडिस, रियाक, डायनामो डीबी, टोक्यो कैबिनेट, ये सारे इसके फेमस एग्जाम्पल है। की वैल्यू के अंदर आपको याद रखना है कि एक इंपॉर्टेंट की वैल्यू यानी एक यूनिक की आपको वहां देनी है, प्राइमरी आईडी आप समझ लें, जैसे एम्प्लॉय आईडी है, आप रोल नंबर कह लें किसी डेटाबेस के अंदर, उस तरह की वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। और ये एक की वैल्यू जो होगी ये एक मेरा ख्याल है एक प्राइमरी की होती है, एक एसोसिएटिव की होती है, उसके साथ ये ताल्लुक रखती है, वो हम बाद में बात करेंगे। ग्राफ बेस्ड, जैसा कि नाम से क्लियर है, ग्राफ की फॉर्म में होगा, आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इसकी भी कई बार जरूरत पड़ती है कई तरह के इंफॉर्मेशन के लिए। आप कहीं नक्शा बना के आपने जगह जगह के टेम्परेचर्स बताने हैं, जब वेदर रिपोर्ट क्रिएट की जाती है तो ग्राफ बेस्ड वहां पे काम आते हैं। तो ग्राफ बेस्ड रिपोर्ट के लिए या डेटाबेस के लिए जो सबसे फेमस है वो नियो 4J है, आपको पता होना चाहिए नियो 4J जो है वो ग्राफ बेस्ड डेटाबेस है। फ्लॉक डीबी है, ये भी ग्राफ बेस्ड डेटाबेस है। अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे कॉलम डेटाबेस के साथ या कॉलमनर डेटाबेस के साथ, और देखते हैं इसमें क्या होता है और इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। कॉलम डेटाबेस की बात करें तो कॉलम डेटाबेस इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट स्टोर्स डेटा इन कॉलम इंस्टेड ऑफ रोज। इसका क्या मतलब है, आपको टेबल तो ऐसी दिख रही है, मैंने एक टेबल बनाई एग्जाम्पल के लिए, बट इसमें वो डेटा स्टोर कैसे होगा डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, बिकॉज ये सब एक सॉफ्टवेयर ही होते हैं, मोंगो डीबी कैसेंड्रा ये काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर ही तो है जो आपके डेटाबेस को मैनेज करते हैं। तो इन अ कॉलमनर डेटाबेस ऑल द कॉलम वन वैल्यू आर फिजिकली टुगेदर, जहां वो स्टोर की जाएंगी वहां वो फिजिकली टुगेदर होंगी, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है।
फॉरवर्ड बाई ऑल दी कॉलम टू वैल्यूज। अब मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जाम्पल के थ्रू कि ये किस तरीके से काम करता है। अगर मैं नॉर्मल डेटाबेस की बात करूं तो वहां पे आपकी वैल्यू कुछ इस तरीके से स्टोर होती है डेटाबेस में, जहां पे पहली रो को पहले स्टोर किया जाता है, उसके बाद जब ये सारी एंट्री फिल हो जाएंगी तो दूसरी रो को स्टोर किया जाएगा, फिर तीसरी रो के डेटा को स्टोर किया जाएगा, क्योंकि यही एक इंफॉर्मेशन है बंदे से जुड़ी हुई कि तीसरे बंदा जो है उसका नाम वियान है, उसकी एज 39 है और 2000 उसको बोनस मिलता है, तो ये उसकी इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। तो नॉर्मली ये इस तरीके से रॉ की फॉर्म में ही स्टोर की जाती है, जैसे कि पहले बंदे का नाम आईडी जो है वो 1 है, फिर बॉब है उसका नाम, उसकी एज 30 है, उसका बोनस 8000 है, उसके बाद दूसरे बंदे की इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, फिर तीसरे बंदे की इंफॉर्मेशन, यानी रो वाइज काम चल रहा है। ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, आपको दिख भी रही है यहाँ पे। तो नॉर्मली रो के केस में इस तरीके से स्टोर किया जाता है, बट जब आप कॉलम डेटाबेस की बात करेंगे तो पहले इस कॉलम की सारी इंफॉर्मेशन को लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे 5000 एंट्री है, 5000 आईडीज लोगों की लिखी हुई है, तो पहले 5000 आईडीज को लिखा जाएगा, पहले फर्स्ट कॉलम को कंप्लीट किया जाएगा, फिर दूसरे कॉलम की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट किया जाएगा, फिर तीसरे कॉलम की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट लिखा जाएगा डेटाबेस में, फिर चौथे कॉलम की इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में स्टोर किया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा, पहले कॉलम की 1 2 3 ये वाली एंट्री आ गई, उसके बाद जब ये पूरा हो गया टेबल तो फिर कॉलम नंबर 2 पे आएगा और देखेगा बॉब अवान वियान, फिर वो ये एंट्री फिल करेगा, फिर कॉलम नंबर 3 की एंट्री फिल करेगा, फिर कॉलम नंबर 4 की एंट्री फिल करेगा। अब आप कहेंगे इसमें फायदा क्या है? अब आप खुद ही सोचिए कि अगर मेरे को कहना है कि यार ये बताइए कि वियान का बोनस कितना है, ठीक है, मैं सर्च करता हूं फॉर एग्जांपल, तो इस डेटाबेस में क्या होगा, इस डेटाबेस में वो इस तरीके से रीड करेगा, यहां पे आपके पास अल्फाबेट्स भी आ रहे हैं, नंबर भी आ रहे हैं, पहला बंदे की आईडी है, दूसरा बंदे का नाम है, तीसरा बंदे का जो है एज है, और चौथा जो है उसका आप कहें कि बोनस है। अब उसको इन चार चार चीजों में से सेग्रीगेट करना है, हो सकता है वो गलती कर जाए, अगर मैं इंसान की बात करूं, पहले हम ये मान के चलते हैं ये इंसान है, वो गलती कर जाए और वो इस 8000 को ना देखकर इस 30 को बोनस मान ले, क्योंकि दोनों नंबर में लिखे हुए हैं, और यहां पे हेडेक ज्यादा लगाना पड़ेगा। आप खुद ही सोचिए, अगर आप इंसान है और आपको इस तरह का मिक्स डेटा दे दिया जाए और उसमें आपको वियान का बोनस फाइंड आउट करना है, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन में पहले वियान पे जाना पड़ेगा, और यहां तो अभी 4 ही वैल्यू लिखी है, सपोज यहां पर अभी 20 फील्ड और लिखी होती, फॉर एग्जांपल अलग अलग यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखा होता, यहाँ पे लोकेशन लिखी होती और बहुत सारी चीजें, और आपको उसमें से वियान का बोनस फाइंड आउट करना है, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है। पहले आप जाएंगे कि बोनस नंबर की फील्ड कौन सी है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, चौथे नंबर वाली फील्ड बोनस की है, तो अब यहाँ पर वो जो 20 फील्ड है उसमें आप चौथे नंबर की फील्ड को बोनस मानेंगे, गलती से आपने पांचवें वाले को मान लिया तो गलत आउटपुट आपका आ जाएगा, तो इस तरह के एरर्स आने के चांसेस। आप मशीन के केस में भी मशीन गलती नहीं करेगी, मैं मानता हूं, लेकिन टाइम उसे लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दूसरी तरफ जब आपने सारी बोनस की फील्ड एक साथ लिख दी, पूरा का पूरा कॉलम एक साथ लिख दिया, तो आपको मालूम है कि यहां पर जो कुछ भी लिखा है ये बोनस है, मुझे तो अब ये देखना है कि वियान का नंबर क्या है, वियान का नंबर है तीसरा, तो तीसरे नंबर का जो बोनस है वो जो है वो वियान का है, सीधा आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि आपने इन फील्ड को देखना ही नहीं है, आपको पता है ये बोनस की फील्ड नहीं है, ये इसकी फील्ड नहीं है, आप इन सबको तो इग्नोर कर देंगे, आप सीधा बोनस पे जाएंगे और बोनस में वियान का फाइंड आउट कर लेंगे, बट यहां ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां तो ये रो की फॉर्म में लिखा हुआ है, यहां सेपरेट सेपरेट लिखा ही नहीं है कि आप सीधा जंप करके बोनस पे चले जाए, यहां तो आपको इस तरीके से ही रीड करना पड़ेगा और वियान तक पहुंचना पड़ेगा, तब आप आउटपुट देंगे, बट यहां पे ऐसा नहीं है, आप यहां सीधा इन सारी वैल्यूज को छोड़कर सीधा बोनस वाले कॉलम पे जंप करेंगे और वहां वियान का फाइंड आउट करके आप दे देंगे कि तीसरे नंबर पे वियान है, तो तीसरे नंबर का बोनस वियान का है। अभी क्योंकि टेबल छोटी है, इंफॉर्मेशन कम है, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, पर आप सोचिए जहां पे 20 फील्ड लिखी हो और 5000 लोगों का डेटा लिखा हुआ हो, तो इस तरह के डेटाबेस में से फाइंड आउट करना आसान होगा या कॉलम वाले में से? ऑब्वियसली कॉलम वाले में से, क्योंकि आपको पता होगा कि बोनस बोनस की जगह पे लिखा हुआ होगा, ये सब बोनस नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कर देंगे, आप उस पन्ने पे जाएंगे सीधा जहां बोनस लिखे हैं लोगों के, और वहां चौथे नंबर का बंदा या तीसरे नंबर का बंदा जो होगा वो आपको पता है कि ये वियान है तीसरे नंबर का बंदा, आप उसका बोनस फाइंड आउट कर लेंगे। एक इंसान के लिए जितना आसान है उतना ही मशीन के लिए भी ये इजी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं फास्टर प्रोसेसिंग होती है NoSQL में, और कॉलम डेटाबेसिस का अपना बेनिफिट होता है। इसके अलावा इसका और क्या बेनिफिट है वो भी देख लेते हैं। तो आई होप आपको ये एग्जांपल तो समझ आ गया होगा कि कॉलम डेटाबेसिस में जो इंफॉर्मेशन है वो कॉलम की फॉर्म में स्टोर की जाती है।
Benefit is that because a column-based DBMS is a self-indexing. Self-indexing कैसे है? क्योंकि मुझे पता है कि bonus वाली सारी field यहाँ पर पड़ी है. वो एक तरफ मैंने इकट्ठी कर दी है. तो मेरे लिए आसान है. अब आप खुद ही सोचें कि आपको मैं दाल, चावल और गेहूँ सबको mix करके दे दूँ तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है. उसमें से एक किलो चावल निकाल के देना. बट अगर आपने एक बक्से में चावल रखे हैं, एक बक्से में दाल रखी है, एक बक्से में गेहूं रखा है, तो अब आपके लिए एक किलो दाल अगर कोई आपसे मांगे तो आप उसमें से निकाल के दे देंगे. ये कुछ ऐसा है. कॉलम की फॉर्म में जब आप अलग अलग रखते हैं ना, तो वहां से डेटाबेस निकालना बड़ा आसान है. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है, आउटपुट बड़ी जल्दी मिलता है और बर्डन कम पड़ता है मेरे सर्वर पे. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. तो इसकी सेल्फ इंडेक्सिंग होती है, यानी अलग अलग मैंने पहले से किया हुआ होता है तो आउटपुट निकालना आसान है. इट यूजेस लेस डिस्क स्पेस. तो लेस डिस्क स्पेस ऑब्वियसली क्योंकि हेडेक नहीं है ना दैट आरडीएमएस कंटेनिंग द सेम डेटा. क्यों? क्योंकि यहां पे उसको हेडेक रखना पड़ेगा कि ये वाली आइडेंटिटी क्या है, ये वाली आइडेंटिटी क्या है, ये वाली आइडेंटिटी क्या है. बट यहां पे इंडेक्सिंग के लिए मुझे बस एक बार लिखना है कि ये सारी आईडी है, ये सारे नेम है, ये सारे एज हैं. अब सपोज यहाँ 5000 एंट्री है, 5000 एंट्री, तो उन 5000 एंट्री के ऊपर बस एक मुझे इंफॉर्मेशन लिखनी है एज. तो मुझे पता चल जाएगा आगे लिखी हुई 5000 एंट्री जो है वो एज है. तो वहां पे क्या होगा, मेरा डिस्क का स्पेस बच जाएगा. बट यहाँ पे क्या होगा, मुझे हर किसी के ऊपर इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी. ये एज है, ये है, ये है, ये है, और वो एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बन जाता है. इसके अलावा कॉलम डेटाबेस की एक और बेनिफिट है कि यहाँ मिनिमम मैक्सिमम एवरेज निकालना बड़ा आसान है. तो ये तीन एग्जांपल लिया, बाकी और बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन आसान हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि अगर मैं इस केस में कहूँ कि मुझे आप मैक्सिमम बोनस निकाल के दें, तो हो सकता है मशीन आपको मैक्सिमम बोनस मिनिमम बोनस निकाल के दें. तो मैं मिनिमम बोनस की बात कर लेता हूँ. तो हो सकता है मशीन कहे कि मिनिमम बोनस तो 30 है. क्यों? क्योंकि 30 और 8000 इनमें से छोटी वैल्यू ये है. तो वो हो सकता है मैथमेटिकल ऑपरेशन में इसको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करके दे दे आपको. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन में बहुत जगह नंबर्स लिखे हुए हैं, तो उसको नहीं पता कि मिनिमम कहाँ से फाइंड आउट करना है. बट जब आप यहाँ पे ये मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे कि मुझे बोनस पे मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो कंप्यूटर के लिए, मशीन के लिए आसान होगा बोनस में जाना और उन 5000 वैल्यूज में से मिनिमम वैल्यू जिसकी भी है उसको निकाल के देना या उनकी एवरेज निकाल के देना. यहां जब आप मशीन को कहेंगे आप एवरेज निकालें, तो पहले वो इन चारों में फाइंड आउट करेगा, इसको लिखेगा कि अच्छा इसका बोनस 8000 है, फिर इन चार वैल्यू में ढूंढेगा बोनस कौन सा है, अच्छा ये वाला है, ये 4000 है, फिर इन चार ही वैल्यू में ढूंढेगा बोनस कौन सा है, अच्छा 2000 है, ये वाला है, फिर वो इसका एवरेज निकालेगा. और यहाँ पे उसको पता है ये तीनों ही बोनस के पार्ट है, तीनों को जोड़ेगा एवरेज निकालेगा. बताइए कहाँ फास्ट हो रहा है काम, यहाँ पे हो रहा है. तो ये भी आपको समझ आ रहा होगा मैथमेटिकल ऑपरेशंस यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करते हैं, फास्ट काम करते हैं, आउटपुट आपको जल्दी मिलता है. तो ये सारी बुनियादी बातें थी कॉलम डेटाबेस के बारे में. कौन कौन से एग्जाम्पल है ये आप जानते हैं. अब अगले डेटाबेस की बात कर लेते हैं. डॉक्यूमेंट डेटाबेस की बात करें तो डॉक्यूमेंट डेटाबेस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जैसा कोड आप अपनी एप्लीकेशन के लिए लिखते हैं, डेटाबेस में भी आप वैसा ही कोड लिखकर उसको स्टोर कर सकते हैं. ये उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है. तो आपको सिंक्रोनाइजेशन बड़ी इजी हो जाती है और उसका आउटपुट निकल के जल्दी आ जाता है. और स्पेसिफिक एप्लीकेशंस में अभी जब समझाऊंगा तो आपको खुद समझ आएगा कि कहां कहां इसका इस्तेमाल हो सकता होगा. Document database make it easier for developers to store and query data in a database by using the same document model format they use in their application code. डेवलपर्स के लिए बड़ा आसान हो जाता है डेटाबेस में से कोड को फेच करना, डेटाबेस में से क्वेरी करके उसको आउटपुट में निकालना या उस डेटा को एक्सेस करना. डॉक्यूमेंट डेटाबेस आर एफिशिएंट फॉर स्टोरिंग कैटलॉग्स. कैटलॉग्स बनाने में ये बेहद इंपॉर्टेंट है और वहीं पर इस्तेमाल किया जाता है. वो कैटलॉग किसी भी चीज का हो सकता है. स्टोर सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा एज डॉक्यूमेंट टिपिकली इन जेसॉन फॉर्मेट और XML फॉर्मेट. तो जावा स्क्रिप्ट में आप लिख सकते हैं. जावा स्क्रिप्ट ओरिएंटेशन नोटेशन इसका ओरिएंटेड नोटेशन इसका फुल फॉर्म होता है और एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है. तो ये दोनों की फॉर्मेट में लिखा जा सकता है. अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल अमेजन की वेबसाइट पे आप जाते हैं और आप टाइप करते हैं टेक्निकल बुक्स. तो जैसे टेक्निकल बुक्स आप टाइप करेंगे अमेजन में सारी बुक्स कैटलॉग में निकल के आ जाएंगे और आपको नजर आने लगेंगी. तो वो कहां से वो काम हो रहा होता है? डॉक्यूमेंट डेटाबेस से काम हो रहा होता है. आप नेटफ्लिक्स पे जाते हैं और नेटफ्लिक्स पे टाइप करते हैं कॉमेडी मूवीज. जैसे ही आप कॉमेडी टाइप करके सर्च करेंगे डॉक्यूमेंट डेटाबेस से, जहां जहां उनकी स्क्रिप्ट में कॉमेडी नोटेशन आ रखा होगा वो उसको निकाल के दे देंगे. जहां जहां जेनर में कॉमेडी लिखा हुआ होगा
या फिर आप कहते हैं कि जो भी मूवी जो है रिलीज हुई है 2012 में वो मुझे निकाल के दो, नेटफ्लिक्स पे अगर आप सर्च करेंगे वो आपको निकाल के दे देगा जहां जहां रिलीज डेट 2012 ईयर जहां भी मेंशन होगा, या 2000 ईयर की अगर आप क्वेरी करेंगे तो जहां जहां। तो ये बड़ा इजी होता है डॉक्यूमेंट डेटाबेस में। उसके साथ साथ पूरी रिप्रेजेंटेशन, आपने कभी भी अमेजन पे जाए, आप नेटफ्लिक्स पे जाए, नेटफ्लिक्स पे जैसे ही आप किसी मूवी पे या सीरियल पे आप क्लिक करेंगे उसके नीचे इंफॉर्मेशन आ जाती है, कौन कौन डायरेक्टर है, कौन से एक्टर है, क्या रेटिंग उसको मिली हुई है, आईएमडीबी रेटिंग क्या है, कमेंट्स क्या है, कब ये रिलीज हुई थी, क्या स्टार कास्ट है, प्रोड्यूसर कौन है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। वो कहां लिखी जाती है? वो डॉक्यूमेंट डेटाबेस में ही लिखी जाती है और स्क्रिप्ट के फॉर्म में ऐसे लिखी जाती है, ये यहां पे सॉरी मैं दिखा दूं आपको, तो यहां लिखी जाती है। तो ये एक जेसॉन जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल वैसा ही आपको नजर आएगा जहां ईयर 2010 लिखा है। मैं किताब की अगर बात कर रहा हूं, किताब का नाम है, टाइटल है AWS फंडामेंटल, किताब किसने लिखी है, अब इंफॉर्मेशन, तो आपको वहां पर भी कैटलॉग में फिर वैसे ही नजर आएगा इंफॉर्मेशन क्या क्या है, तो आप उसको कोड भी उसी तरीके से करेंगे। तो ये बड़ा इजी हो जाता है डेवलपर्स के लिए कोडिंग करना और वहां पे उसको फिर आपको रिफ्लेक्ट करना और आउटपुट में दिखाना, तो ये बड़ा इजी होता है। फिर राइटर कौन है, भूपिंदर राइटर है, राजीव राइटर है, रिलीज डेट क्या है किताब की, किताब को रेटिंग कितनी मिली है, किताब का जेनर कैसा है, आईटी से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, और इस तरीके की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप उस डॉक्यूमेंट डेटाबेस में दे सकते हैं और उसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अमेज़न के ऊपर, नेटफ्लिक्स के ऊपर, अमेज़न प्राइम के ऊपर या और किसी एप्लीकेशन के ऊपर जो भी वीडियो शो कर रही है, ऐसे प्लेटफॉर्म जहां वीडियो दिखती है, जहां किताबें दिखती हैं, जहां आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं, ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। तो अ डॉक्यूमेंट डेटाबेस इज अ ग्रेट चॉइस फॉर कंटेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन सच एज ब्लॉग्स एंड वीडियो प्लेटफॉर्म। तो वीडियो प्लेटफॉर्म आपको पता है कौन कौन से होते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल Netflix है, उसके अलावा Amazon में भी, जहां जहां Amazon का जो कैटलॉग है वो डॉक्यूमेंट डेटाबेस में ही बना हुआ है। तो ये जरूरी है कि आपको ये पता हो कि डॉक्यूमेंट डेटाबेस कहां इस्तेमाल होगा, जहां कैटलॉग टाइप की चीज है, जहां एक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, आप सपोज कोई प्रोडक्ट या आप Amazon का सर्च करें तो कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन नीचे आ जाती है, नीचे कैटलॉग आ जाता है, तो वो कैटलॉग यहां पे स्टोर होता है। तो आई होप डॉक्यूमेंट डेटाबेस आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद अब हम अगले डेटाबेस की बात करते हैं। अब हम तीसरे टाइप के डेटाबेस की बात कर लेते हैं जिसका नाम है की वैल्यू डेटाबेस। यहां पे दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक होती है की और एक होती है वैल्यू, तो ये आपको समझना पड़ेगा। और जो डायनामो डीबी है वो बेसिकली इसी का एग्जांपल है, जहां पे एक की आप पहले से मेंशन कर देंगे, वो की हो सकती है सपोज करें आप एम्प्लॉय आईडी, और उससे रिलेटेड जितनी भी वैल्यूज आप साथ साथ लेते जाते हैं, आपने एम्प्लॉय आईडी में एक बंदे का नेम लिख दिया, फिर आपने उसकी एज लिख दी, फिर आपने लोकेशन लिख दी, फिर अगली एंट्री में आपने एम्प्लॉय आईडी के साथ साथ नेम ना लिखकर आपने उसका रिलेशन लिख दिया, रिलीजन लिख दिया, वो सारी चीजें लिख दी, तो ये सारी चीजें कहलाएंगी वैल्यू। की होगी जो आप मेंशन करेंगे, जो यूनिक होगी, और वैल्यूज उसके कॉरस्पॉन्डिंग होंगी, उस आईडी के साथ नेम जुड़ा हुआ है, एज है, रिलेशन है, रिलीजन है, लोकेशन है, कॉन्टेक्ट नंबर है, वो सारी उसकी वैल्यू होती हैं। तो की वैल्यू डेटाबेस जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और जनरली ये इस्तेमाल किया जाता है, बहुत कॉमन है, जनरली मैं आपको ये भी कहूँ बहुत कॉमन डेटाबेस टाइप है ये, तो ये जनरली इस्तेमाल किया जाता है सभी जगह पर, ये इस्तेमाल किया जाता है, बट ये इसकी एक खास एप्लीकेशन ये है कि जहां पर भी आपको सेशन एस्टैब्लिश करके रखना है और जहां पर भी आपको आउटपुट जल्दी चाहिए, आपको ये काम है जो बार बार आप कर रहे हैं, तो वो कैश मेमोरी में इसको स्टोर कर लेता है, उस तरह की चीजों को वो कैश मेमोरी में स्टोर करके रख सकता है। तो इस तरह के डेटाबेस की खासियत है कि वो अपने कैश में रख लेता है, कैश मेमोरी में जो भी अभी हाल फिलहाल में सर्च की गई की होती है, की वैल्यू होती है, उन्हें वो अपनी कैश मेमोरी में स्टोर करके रख लेता है फॉर द टाइम बीइंग, ताकि अगर दोबारा से ये वैल्यू मांगी जाए तो वो तुरंत आउटपुट में दे दे। तो ये इसकी एक खासियत है। इसके बाद एक खासियत और है इस तरह के डेटाबेस की कि ये सेशन एस्टैब्लिश करने में, फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पे लॉगिन कर रहे हैं या अमेज़न की मैं बात करूं, अमेज़न पे जब आप शॉपिंग करते हैं और अपने कार्ट में कोई चीज डालते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अपने कार्ट के अंदर दो चीजें ऐड कर ली, एक आपने मोबाइल फोन ऐड कर लिया और एक आपने कोई शैंपू ऐड कर लिया, उसके बाद आप वापस शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो अब वो दो चीजें आपके कार्ट में पड़ी हुई हैं, तो वो सेशन ब्रेक ना हो जाए एप्लीकेशन की, मैं अगर आपको बात करूं कि वो सेशन
ट्रांजैक्शन ब्रेक ना हो जाए और आपकी शॉपिंग कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट होने तक वो उसको कैश मेमोरी में रखेगा, उन दोनों आइटम्स को वो कैश मेमोरी में स्टोर करके रखेगा, सो दैट आप जब वापस आए तो आप अपनी ट्रांजैक्शन पूरी कर सके, कार्ड की डिटेल डाल के, सीवीवी नंबर डाल के, और आप पेमेंट कर दें, तो तब तक वो उन दोनों वैल्यूज को कार्ड में रखेगा। तो ये सेशन जो बना के रखा जाता है ये भी इसी तरह के डेटाबेस में रखा जाता है, या फेसबुक पे आप लॉग इन करके आप चैट कर रहे हैं, स्क्रोलिंग कर रहे हैं और आप लोगों की चीजें देख रहे हैं, तो तब तक आपका सेशन एस्टैब्लिश रहे वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत तरह के डेटाबेसिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल अगर सिनेरियो की बात करें तो वहां भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। तो अब कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद बाकी डिटेल में बात करते हैं। ए की वैल्यू डेटाबेस इज अ सिंपल डेटाबेस दैट यूजेस एन एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरेज यही है, इसकी वैल्यूज जो है वो इसके एसोसिएटिव एरे हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। ये कहते हैं कि आप डिक्शनरी के बारे में सोचें तो डिक्शनरी में क्या होता है कि ए नाम के अल्फाबेट सारे, फिर ए के बाद नेक्स्ट जो अल्फाबेट आएगा वो ए ए से आएगा, फिर ए एक्स के बाद भी अगर ए ए ए वाला अल्फाबेट है वो बाद में आएगा, वर्ड्स पहले आएंगे, उसके बाद ए बी वाले वर्ड्स आएंगे, फिर ए सी से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो वर्ड आएंगे। तो आप उस तरीके से यहाँ पर इसको सोच के देखिए, as a fundamental model where each key is associated with one and only one value in a collection. तो key value का relation होता है, key जो होगी वो एक value के साथ related होगी, वो age के साथ भी related होगी, location के साथ भी होगी, but one to one इसका चलता है, one to one and one to many इसका model होता है। तो खैर उतनी गहराई में आपको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब हम lab करेंगे तो वो चीजें clear हो जाती हैं और बहुत ज्यादा detail में कोई आपसे इतना नहीं पूछेगा। इट अलाउज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ये आपको पता है, ये सभी के लिए है, चारों टाइप के लिए है क्योंकि NoSQL हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को अलाउ करता है। यूज केसेस की बात करें, शॉपिंग कार्ट मैंने बताया, आपने दो आइटम डाले हुए हैं, फिर आप एक और आइटम खरीदते हैं अपनी एप्लीकेशन अमेज़न में जाके, तो तब तक वो उन दोनों को सेव करके रखता है, तो की वैल्यू स्टोर करके रखता है वो कैश मेमोरी में। एंड सेशन स्टोर इन एप्लीकेशन लाइक फेसबुक एंड ट्विटर, तो फेसबुक ट्विटर पे भी आपके जो सेशन है वो स्टोर करके रखना कैश मेमोरी में, ये इसी का काम है। They improve application performance by storing critical pieces of data in memory for low latency accesses. तो Facebook पे या Amazon पे आपका experience अच्छा रहे उसके लिए वो उन्हें store करके रखता है, और आप जैसे ही वापस कार्ट पे जाते हैं आपको आपके दोनों आइटम नजर आ रहे होते हैं। तो वो इसलिए हो पाया क्योंकि वो उसने की वैल्यू पहले से मैंशन की हुई थी, तो आपने जो डेटा वहां मांगा हुआ था, आपने जो भी कार्ट में एड किया हुआ था, वो आपको दोबारा से कार्ट में नजर आने लगता है। Amazon Elastic Cache भी जो है वो इसी का एक एग्जांपल है, इन मेमोरी की वैल्यू स्टोर्स करता है, तो ये इसका एक एग्जांपल है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर ये आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर रहा है तो, बट DynamoDB जो है वो इसका एक एग्जांपल है और उसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो लैब में हम देखेंगे, तो ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। और ग्राफ बेस्ड डेटाबेस की अगर मैं बात करूं तो यहां नजर आ रहा है आपको इस तरह का ग्राफ आपको नजर आएगा, इसका नियो फोर्जे जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है, जहां जहां कहीं भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है वहां इस तरह के डेटाबेस का आप इस्तेमाल करेंगे। मैथमेटिक्स के कहीं अगर कुछ ऐसा चीज है जहां साइंटिफिक चीजें हो रही है, रिसर्च हो रही है और वहां ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो इस तरह के डेटाबेस में आप रख सकते हैं। और ये भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारी चीजें सिर्फ आप ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पाई चार्ट हुआ या और तरह के चार्ट जो आप बनाया करते थे वो सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती थी, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन जो होती थी, वो सब आप ग्राफ बेस्ड डेटाबेस में स्टोर करके इजीली रख सकते हैं। तो अ ग्राफ बेस्ड डेटाबेस इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड एजेस, नोड्स भी होंगे और उसके एजेस भी होंगे। ईच नोड रिप्रेजेंट एन एंटिटी, हर नोड कुछ ना कुछ दर्शा रही होगी, जैसे यहाँ पे बंदे हैं, अमन है, अमन का समीना के साथ क्या रिलेशन है, वो उसकी सिस्टर इन लॉ है, किससे अमन की शादी किससे हुई है, विजय से हुई है, और अमन क्या गाने सुनती है, वो रॉक म्यूजिक सुनती है, विजय जॉब कहाँ करता है, विजय IBM में जॉब करता है, इस तरह का एक रिलेशन जो है वो आपने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ईच नोड रिप्रेजेंट्स एन एंटिटी एंड ईच एज रिप्रेजेंट्स अ कनेक्शन, सो दिस इज माई एज, तो ये कनेक्शन है इन दोनों के बीच में, जो रिलेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एज जो है, और रिलेशनशिप यू कैन से, तो एज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एज रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशनशिप को, तो दिस इज माय एज एंड दिस इज माय नोड, ये जो सर्किल है ये मेरे नोड है और जो लाइन है ये एज के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, नियो फोर्जे, इसका बड़ा फेमस एग्जांपल है। तो ये वहीं पर अब इसका अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कहां इस्तेमाल होता होगा तो आपको पता होना चाहिए कि जहां भी रिसर्च हो रही है मैथमेटिकल फॉर्म में, या एक आप टैबुलर फॉर्म में रिसर्च कर रहे हैं कि कितना मुनाफा हुआ हर साल हमें, कितना घाटा हुआ, आपको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको NoSQL की चारों डेटाबेसिस पता चल गई होंगी। एक बार दोबारा से मैं आपको याद दिला दूं कौन कौन सी चार होती हैं,
पहली सबसे पहली कौन सी थी? कॉलम डेटाबेस। दूसरी कौन सी थी? आप ही बताएं, बताएं आप, कोशिश करें। डॉक्यूमेंट डेटाबेस, चलिए बड़ी अच्छी बात है। की वैल्यू डेटाबेस तीसरा है, और चौथा है ग्राफ बेस्ड डेटाबेस। तो NoSQL चार तरीके का होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और शेरो शायरी आज भी सुनाते, आज मैं थक गया हूँ काफी पढ़ाते पढ़ाते, तो आज बस आप जाएं, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, फेसबुक पे जरूर शेयर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं NoSQL समझ आ गया कि नहीं आया, क्योंकि अब मैंने आगे डिटेल में जाना है, अमेजन के डेटाबेस की बात करनी है। तो ये अभी तक बेसिक बातें चल रही हैं। जिन लोगों ने अमेज़न पढ़ा है उनके लिए भी काम का है, जिन्हें डेटाबेस पढ़ना था उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत काम का है। तो बेसिक जो है, जितने भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से लोग हैं उनके लिए डेटाबेस की इतनी नॉलेज मोर देन एनफ है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।